मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि समय बिल्कुल हो चुका है, अब आप ये चाहते होंगे, ये बीच बीच में बुलाते नहीं हैं, खुद ही बोले जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आ चुकी है, तो मैं ज्यादा विलंब नहीं करते हुए आप सबकी वार्म वेलकम और जोरदार एक्साइटेड डिजिटल क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्रीमान श्रीचंद अत्रि सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भाटी सर, आप बहुत शानदार लग रहे हैं, और जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं तो सभी लोग आपकी तरफ देखते हैं। आपकी वाणी बहुत मधुर है, और जो इस इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ी एक लीडर की पहचान भी होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी साथियों को नमस्कार, जे आर सी एम, गुड इवनिंग। आज पूरा हिंदुस्तान, हर स्टेट के लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन, यदि आप पहली बार आए हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानने में बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आप एसोसिएट बायर बन चुके हैं, तो कैसे इस बिजनेस को स्टार्टअप किया जाए, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यदि आप कुछ समय से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और बड़े मुकाम पर कैसे जाया जाए, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और यदि आप ऑलरेडी कोई अचीवर हैं, रॉयल्टी टेक्निकल हैं, तो कोर के बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बारे में आज आपसे बातचीत शेयर करूंगा। तो सभी साथियों का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। पिछले 22 साल से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस इंडस्ट्री के साथ काम करने का, आर सी एम बिजनेस के साथ मुझे काम करने का। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उस समय मिली जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, शायद नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में इस प्रकार का माहौल नहीं था। उस समय मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और उस समय की बात करें तो उस समय हमारे बिजनेस की शुरुआत मात्र एक पेंट पीस से हुई थी। तो जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी पहले मिलती है, तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ चैलेंज भी मिलते हैं। कई लोगों को लगता होगा कि यार मैंने बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन मेरे एरिया में अभी कोई पीयूसी नहीं है। तो ये निराश होने का विषय नहीं है, ये इस बात को चेक करने के लिए आपके एरिया में पीयूसी नहीं है, ताकि आपकी कमिटमेंट को चेक किया जा सके कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं या नहीं। और इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम करके अपने आप को साबित किया। तो उस प्रकार के माहौल में आरसीएम बिजनेस में मेरी शुरुआत हुई। मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की पोस्ट पे काम कर रहा था। साथ में मेरे शहर का एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था मैथमेटिक्स का, 6 बैच मेरे कोचिंग के होते थे। इसके बाद भी मैंने आरसीएम बिजनेस को चुना। इसके पीछे कई सारे साथी सवाल पूछते हैं, सर आपने क्या देखा? उस समय कुछ नहीं था, आपने क्या देखा? कुछ लोग प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग किसी व्यक्ति की कार को देख के ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग किसी व्यक्ति की 1 लाख 2 लाख इनकम को देख के ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग माहौल या भीड़ को देख के ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजन को देख के ज्वाइन करते हैं। और मैंने ना प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन किया, ना किसी कार को देख के ज्वाइन किया, ना मैंने कोई 1 लाख की इनकम को देख के ज्वाइन किया, ना उसमें भीड़ भी नहीं थी, ना किसी भीड़ को देख के ज्वाइन किया। मैंने विजन को देख के ज्वाइन किया था कि जब डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा होगा, जब हमारी बिजनेस में इतने सारे प्रोडक्ट हारे होंगे, और जो लोगों को पता चलेगा कि मार्केट का प्रोडक्ट केवल मार्केट को अमीर बना रहा है, बाजार वालों को अमीर बना रहा है, विज्ञापन वालों को अमीर बना रहा है, और ये प्रोडक्ट ग्राहक को अमीर बना सकता है, तो उस समय इस बिजनेस में कितने सारे हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे, उस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। दूसरा एक लाइन मैंने उस समय सुनी थी पहली बार जब मैं मीटिंग में आया, पैसिव इनकम। इस दुनिया में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड है, बिजनेसमैन है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो अपने काम करने से उनके घर पे इनकम जितनी मर्जी बढ़ जा रही हो, बट वो इनकम जो उनके घर पर आ रही है, वो है एक्टिव इनकम। और भाई साहब, वो इनकम केवल और केवल आपके घर पे तब तक आएगी जब तक आप काम कर रहे हैं। आप वकील हैं, जब तक कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो पैसा आएगा, जिस दिन कोर्ट में जाना बंद तो पैसा ना बंद। आप डॉक्टर हैं, जब तक आप ऑपरेशन कर रहे हैं, मरीजों को चेक कर रहे हैं, तब तक आपके घर पे इनकम आएगी, जिस दिन ये काम करना बंद तो इनकम आना बंद। आप एक बहुत बड़े मैकेनिक हैं, गाड़ियों की रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन ये इनकम तब तक आएगी जब तक आपका हाथ चल रहा है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम से आपके पास इनकम तब तक आती है जब तक आप एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन आज से 21 साल 22 साल पहले मुझे एक लाइन सुनाई गई, ये बिजनेस वो है यदि आपने एक अच्छा सा नेटवर्क बना दिया, और जब जब इस बिजनेस में प्रोडक्ट बढ़ते रहेंगे, जब तक दुनिया में कपड़ा पहनने का रिवाज रहेगा, चाय पीने का रिवाज रहेगा, हल्दी मिर्च मसाला यूज करने का रिवाज रहेगा, आपके घर में पिया। और मैंने डिसीजन लिया कि काम मुझे करना चाहिए। पहले मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, कोचिंग सेंटर के बैच को मैंने बंद करके नौकरी के साथ शुरू किया, और 2001 में मेरी शुरुआत हुई थी। और 2007 आते आते मुझे इस बिजनेस से उतनी सारी इनकम मिल चुकी थी जितनी हरियाणा गवर्नमेंट मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे देती।
58 साल की एज के बाद दी थी, और 2007 में मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया, और आज मुझे इस बिजनेस के माध्यम से पूरे इंडिया में जाने का मौका मिलता है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं, उन परिस्थितियों में जो ऐसा काम हो सकता है, आज परिस्थितियां टोटली हमारे फेवर में, टोटली आज आरसीएम के नाम का डंका बजता है, आज डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस आ चुकी है, आज इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, आज गाइडलाइन आ चुकी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आ चुका है, आज इंडिया गवर्नमेंट ने रूलिंग इस बिजनेस की शुरू कर दी है, यूनिवर्सिटीज में इसके सिलेबस शुरू हो चुकी है। तो देखिए आज माहौल कितना आपके पक्ष में है। तो यदि आप सीरियसली आज के सेमिनार को, आज के वेबिनार को ध्यान से सुनते हैं और इन चीजों पर अमल करते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं जो अचीवमेंट मेरी इस बिजनेस में 21 साल में हुई है, उससे भी बड़ी अचीवमेंट आपकी आने वाले 2 से 5 साल में हो सकती है। तो अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस बिजनेस में जब आया तो मुझे एक चीज बताई गई कि आपके पास जो नॉलेज है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, मैथ्स की है, इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। तो यदि आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है तो आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज के साथ अपने आप को अटैच करना पड़ेगा। यह बात मुझे क्लिक कर गई कि मुझे मैथ्स के सवाल तो आते हैं बट डायरेक्ट सेलिंग की तो मुझे एबीसीडी पता नहीं है। अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे जाना है, डायरेक्ट सेलिंग का एक लीडर बनना है, डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा अचीवर बनना है, तो सबसे पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे अपलायंस के द्वारा मुझे बहुत सारी बुक्स रिकमेंड की कि मैं बुक्स खरीदता हूं, मैं बुक्स पढ़ता हूं, और आज भी मेरी ये हैबिट कंटिन्यू है। मेरे घर में 500 से ज्यादा किताबें रखी, मैंने पढ़ चुका हूं। मैं कुछ समय पहले मैं एक बुक स्टॉल पर गया और वहां मैंने अपनी जरूरत की एक किताब खरीदी, एटॉमिक हैबिट्स, उस किताब को मैंने परचेज किया। और मैं वहां पर क्या देखता हूं, बगल में एक किताब और रखी थी बड़ी मोटी सी, जिसके ऊपर लिखा था मनोहर कहानियां, और उसके ऊपर MRP लिखा था 100 रुपए। मैंने नहीं खरीदी लेकिन वहां पर रखी हुई थी। तो एक दिन मेरे को इस किताब ने एक बहुत अच्छी नॉलेज दी, एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया रिलेट करने का, जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैं एयरपोर्ट पे लॉन्च में बैठा था और मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, यंग डायनेमिक लड़का, वो एक मोटी सी किताब पढ़ रहा था, वो अंग्रेजी में किताब थी। मैं बड़ा उत्सुक हुआ उस बच्चे से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और मैंने सहज से उससे पूछा, बेटा ये जो किताब आप पढ़ रहे हो ये किस चीज की किताब है? उस लड़के ने उत्तर दिया कि सर ये मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं, ये डॉक्टरी की किताब है, पूरी अंग्रेजी में थी तो वो डॉक्टर थे। मैंने उससे सहज से पूछ लिया कि इस किताब का रेट कितना है? उस लड़के ने कहा सर इस किताब का रेट 2000 रुपये है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 2000 रुपये की किताब? मैंने तो किताब देखी थी जो इससे भी मोटी थी, वो 100 रुपये की थी। तब मैंने उस किताब से एक मैसेज लिया, एक संदेश लिया, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो मनोहर कहानियां की किताब है ना सर, इसको पढ़ के आप मनोरंजन कर सकते हैं, इसको पढ़ के कामयाब इंसान नहीं बन सकते, लेकिन ये जो अंग्रेजी की किताब है ना, जो 2000 रुपए की है, भले ये 5000 की हो, इसको पढ़ के मनोरंजन नहीं होता, इसको पढ़ के जीवन में सक्सेस मिलती है, डॉक्टर बना जा सकता है। सेम आज आपको जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में लेके आया है, जिन प्रोडक्ट की आपके साथ चर्चा की है, इसी प्रकार के सेम प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है सर, बिल्कुल उपलब्ध है, जो हमारे आपके घर में पिछले बहुत सारे सालों से आ रहे हैं। एक तरफ एक व्यक्ति आपको प्रेरित कर रहा है कि आरसीएम के साथ आप ज्वाइन कीजिए, आरसीएम के अंदर आप एसोसिएट बायर बनिए और आरसीएम के डिलीवरी सेंटर से, आरसीएम के वंडरवर्ल्ड से प्रोडक्ट लीजिए। तो दोनों में क्या फर्क है सर? सेम फर्क जो मैंने नीचे दिखाया, ये बाजार मनोहर कहानियां है सर, सिर्फ मनोहर कहानियां है। इसके यूज करने से आपकी लाइफ में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये आरसीएम सिस्टम या आरसीएम का प्रोडक्ट, ये मनोहर कहानियां है सर, इनके यूज करने से जिंदगी बदलने वाली है, रॉयल्टी इनकम आपके घर पे आने वाली है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आप लाखों लोगों को हेल्दी बनाने के लिए एक मिशन में काम कर सकते हैं। तो इसलिए सेम चीज यहां पर भी है कि ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम केवल मनोहर कहानियां नहीं है सर, ये जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़ा मिशन है। इसलिए उस एंगल से आज की मीटिंग को अटेंड कीजिए कि जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहां पर बुलाया है मनोहर कहानियां सुनाने के लिए, या 40-45 मिनट मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं बुलाया सर, बल्कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आपको यहां पर बुलाया गया है। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। कोई भी सेक्टर, जिस सेक्टर के भी लोगों को आप देखते हैं, जिनसे आप बड़ा मोटिवेट होते हैं, जो आज उस सेक्टर के दिग्गज लीडर हैं, उस इंडस्ट्री के टॉप लीडर हैं, आज उस इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, आज वो करोड़पति हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। जब उन्होंने उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में शुरुआत की होगी ना, तो वो शुरुआत कैसे हुई? किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन को मान के वो शुरुआत हुई है। क्योंकि किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में बड़ी सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक्सपर्ट की ओपिनियन को मानकर काम शुरू करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं इस बात को यहां से रिलेट भी करना चाहता हूं। आरसीएम में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, बट गलती उनसे हो जाती है, वो एक्सपर्ट की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति से ओपिनियन लेते हैं जिनको उस सेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि आपको किसी सेक्टर में एक्सपर्ट बनना है तो आपको ऐसे लोगों की ओपिनियन लेनी चाहिए जो उस सेक्टर के एक्सपर्ट है, क्योंकि उन्हीं की ओपिनियन मान करके आप सक्सेस होते हैं। क्योंकि मैं ऐसे एग्जांपल आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और दूसरी खूबी यह है, वो एक्सपर्ट की ओपिनियन तो मानते हैं और उस सेक्टर में उस समय एंट्री मारते हैं जब उस सेक्टर के बारे में फील्ड में कोई अच्छी न्यूज नहीं होती,
जब उस सेक्टर के बारे में लोगों में उस सेक्टर की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती, जब लोग उस सेक्टर में जाना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में जितने भी हमारे घर में यूज होने वाले सामान थे वो सारे विदेशी होते थे। उस समय एक नारा निकला, हमें स्वदेशी सामान को इस्तेमाल करना चाहिए, और स्वदेशी सामान को इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। तो एक्सपर्ट ने उस समय एक ओपिनियन दी कि आने वाला जमाना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है, क्योंकि स्वदेशी सामान को ही प्रमोट किया जाएगा। तो इसलिए जो लोग आज इंडस्ट्री में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएंगे, वो आने वाले समय के दिग्गज बनेंगे, आने वाले समय के बिजनेसमैन बनेंगे, आने वाले समय के इस इंडस्ट्री के किंग बनेंगे, आने वाले समय के करोड़पति बनेंगे। और इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने उस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शुरुआत की थी, आज हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, आप उनके बारे में यदि जान लोगे तो वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने उस समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट की ओपिनियन को माना और उस समय एंट्री मारी जब उस सेक्टर के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे। उसके बाद एक जमाना आया सर प्लास्टिक का। क्यों आया? क्योंकि उस समय हमारे घर में जितने भी बर्तन होते थे वो सारे धातु के होते थे सर, कांसे के, पीतल के, उस प्रकार के बर्तन होते थे। आज भी हमारे घरों में हमारी दादी जी के हाथ के वो बर्तन मिलेंगे आपको, लोटा मिलेगा, कांसे के बर्तन मिलेंगे। तो उस समय एक्सपर्ट ने क्या ओपिनियन दी कि आने वाला जमाने में इन बर्तनों को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, अब हमें प्लास्टिक पे आना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट ने राय दी आने वाला जमाना प्लास्टिक इंडस्ट्री का है। तो जो लोग आज प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंट्री कर लेंगे वो आने वाले समय के दिग्गज बिजनेसमैन बनेंगे। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि उस समय जब प्लास्टिक को लोग लाइक नहीं करते थे, प्लास्टिक को पसंद नहीं करते थे, जिन लोगों ने उस समय प्लास्टिक की इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया वो उस समय के दिग्गज बिजनेसमैन बने। और ये बताया जाता है कि चावड़ी बाजार में एक पन्नी बेचने वाला भी, उस समय प्लास्टिक की पन्नी बेचने वाला भी करोड़पति बना, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट की ओपिनियन को माना और उस समय इस सेक्टर में एंट्री मारी जब लोग उस चीज को ज्यादा जानते नहीं थे। उसके बाद जमाना कंप्यूटर का आया सर, हमारे सामने सब इतिहास है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आज लोगों ने कितना बड़ा काम कर लिया है। लेकिन एक छोटी चीज, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे युवा साथी होंगे जिनको शायद इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी ना हो, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं मोबाइल इंडस्ट्री की। आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले की बात है, मोबाइल नाम की चीज को हम लोग जानते नहीं थे। आम व्यक्ति के पास मोबाइल लेना तो दूर, उसको मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि हम ये मानते थे ये हमारे काम की चीज नहीं है। उस समय कुछ लोगों ने ये कहा, एक्सपर्ट ने ये राय दी कि आने वाला जमाना मोबाइल का, मोबाइल क्रांति इंडिया में आने वाली है, जो लोग इस समय मोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री कर लेंगे वो आने वाले समय के बिजनेसमैन बनेंगे। और उस समय धीरू भाई अंबानी जी ने नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप थोड़ा सा सोचिए, हम आप मोबाइल इंडस्ट्री में नहीं काम कर पाए क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए इतने करोड़ हमारे पास नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने मोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री मार ली उस समय जब लोग इस मोबाइल इंडस्ट्री को लाइक करते, आज क्या है? आज हमारे आपके बच्चे मोबाइल का काम कर सकते हैं सर, मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल की रिपेयरिंग कर सकते हैं, मोबाइल की सिम बेच सकते हैं, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री के किंग नहीं बन सकते। मोबाइल इंडस्ट्री के किंग तो वो लोग हैं जिन्होंने उस समय एंट्री मारी जब लोग मोबाइल इंडस्ट्री को पसंद नहीं करते थे। इन सारे तथ्यों के आधार पर मैं आपको जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो ये है कि आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट की ओपिनियन कह रही है, आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है। और पिछले तथ्यों के आधार पर यह बिल्कुल साफ है, यदि आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है तो इस आने वाले जमाने में इस इंडस्ट्री के किंग, इस इंडस्ट्री के बिजनेस टाइकून कौन बनेंगे? जो लोगों की भीड़ से पहले एंट्री मारेंगे। और यह बिल्कुल साफ है, अभी इस इंडस्ट्री में भीड़ नहीं आई है, अभी सगा मामा का लड़का भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, पहले उसको जानते हैं फिर देखते हैं इसके बारे में क्या होने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक्सपर्ट की ओपिनियन ये है, ये फोटो है बिल गेट्स की, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं? इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यदि मुझे अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का मौका मिले ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाला हूं। यह लाइन क्यों बोली सर उन्होंने? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका में हुई थी, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बढ़ते हुए टर्नओवर को देखा, मार्केट में उस इंडस्ट्री का कब्जा होते हुए देखा, और आम व्यक्ति को इस इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों करोड़ का मालिक बनते देखा, और वहां की उस देश की राजस्व में इस इंडस्ट्री का टर्नओवर देखा। आज डायरेक्ट सेलिंग में स्लाइड में दिखाऊंगा, आज वहां का टर्नओवर सर 3.5 लाख करोड़ का जा चुका है, एनुअल टर्नओवर। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत देश के गौरव, वो क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला व्यवसाय है, विच मस्ट बी ज्वाइन, मस्ट बी बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली। हर युवा को इसको ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। यानी कि वो क्या बोलते हैं, 21वीं सदी का सबसे बड़ा तेज गति से बढ़ने वाला व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो फेमस हैं लोगों को अमीर कैसे बनाया जाए, इनकी ट्रेनिंग देने में,
और अमीर बनेगा सूत्र बताते हैं, रिच डैड पुअर डैड, आपने किताब पढ़ी होगी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट की किताब पढ़ी होगी, बिजनेस स्कूल की किताबें पढ़ी होगी, तो वो क्या बोलते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। इस दुनिया में अमीर वही लोग हैं जो नेटवर्क का निर्माण करते हैं, बाकी लोग तो नौकरी की तलाश में रहते हैं। और लास्ट में एक बहुत बड़े ट्रेनर ब्रायन ट्रेसी, उनकी ओपिनियन क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ब्रायन ट्रेसी जी की ओपिनियन है द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। मैंने एक दिन और ये स्लाइड आपको दिखाई थी, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है सर, देयर इज नो एंड इन साइट, इसका कहीं पर भी कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, ये लगातार बढ़ता रहेगा, क्यों, बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इट। अब अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल के लोग इस इंडस्ट्री में आना शुरू हो चुके हैं। और लास्ट की जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला लाइन है, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड बनने वाला है, जिसपे आम व्यक्ति गर्व करेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर एक रुपए का प्रोडक्ट बिकता है तो भी पक्के बिल के साथ बिकता है, या कोई भी टैक्स की चोरी नहीं है, एक रुपए की इनकम जनरेट होती है, उसके ऊपर जितनी सरकार की लायबिलिटीज हैं वो सारी होती है, और जब भी प्रोडक्ट जाता है उस पर सारी की चीजें लोगों के हेल्थ को ठीक करने को लेकर के, लोगों को आगे बढ़ने के मौके लेकर के, इसलिए ये एक्सपर्ट की ओपिनियन इस इंडस्ट्री के बारे में ये है। अब आप यदि अपनी ओपिनियन अपनी धारणाओं के बने हुए हैं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, बट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है। और इससे भी आगे एक बहुत बड़ी संस्था फिक्की एंड केपीएमजी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज फिक्की एंड केपीएमजी रिपोर्ट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, वो बोल रही है कि आने वाले समय में भारत में ये इंडस्ट्री बहुत तेज गति से बढ़नी है। पिछले कुछ सालों के इंडिया गवर्नमेंट की जिस प्रकार की पॉलिसी रही है, उन पॉलिसी को देखते हुए फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री भारत में लगभग 65,000 करोड़ की होने वाली है। बहुत बड़ा एम्पायर इस इंडस्ट्री का बनने वाला है सर। तो इसलिए आज आप पहली बार आए हैं, आपने स्टार्टअप किया है, आपके बिजनेस में कुछ चैलेंज आ रहे हैं, इस बात को थोड़ा साइड में रखिए सर। अब आप उस दौर के बिल्कुल पास जा चुके हैं जहां इस इंडस्ट्री का बड़ा टर्नओवर बनने वाला है, ये बात समझिए। आज आपको किसी चीज से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक कहानी है सर बहुत जो इससे रिलेट कर रही है, एक व्यक्ति ने एक सोने की खान को खोदने का ठेका लिया, बहुत सारे हजारों मजदूरों को लगा दिया, एक दिन दो दिन एक महीना दो महीने एक साल दो साल लगे रहे, मिट्टी खोदते गए और सोने की खान मिली नहीं, परेशान हो गया, नेगेटिव हो गया कि यार ये थोड़ी मिलने वाली है, किसी ने गलत दे दिया, उसने उस सोने की खान को बेच दिया, क्यों, क्योंकि सोना हाथ लगा नहीं। जिस व्यक्ति ने सोने की खान को खरीदा, जैसे ही खुदाई करनी शुरू की, मात्र एक फीट के बाद उसको खोदने की खान मिल गई, गलती क्या हुई, उस व्यक्ति ने प्रयास करके एंड पे जाके अपने प्रयासों को छोड़ दिया, हार मान ली, यदि वो थोड़ा सा दो चार पांच महीने और लगा रहता तो सोने की खान का मालिक बन सकता था। इसलिए मेरा आपको मैसेज है कि डायरेक्ट सेलिंग अब बहुत बड़ा होने वाला है सर, तो आप उस सोने की खान के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, वो थोड़ा सा प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है, माइंड सेट को थोड़ा पॉजिटिव करने की जरूरत है, और अपने एटीट्यूड को इस बिजनेस को ग्रो करने वाले एटीट्यूड के साथ मैच करने की जरूरत है। और इस 65,000 करोड़ के इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टर्नओवर आरसीएम का होने वाला, इस बात को लिख लिया सर, सबसे बड़ा टर्नओवर आरसीएम, ना तो किसी कंपनी के पास हमारा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इस प्रकार के प्रोडक्ट की रेंज, ना इस प्रकार की प्रोडक्ट की डिलीवरी सेंटर्स, ना इस प्रकार का यूनिक एजुकेशन सिस्टम, ना इस प्रकार की कंपनी की प्रोफाइल, और ना इस प्रकार के कोई उन कंपनियों के पास एमडी है आदरणीय टीसी सर जैसे। तो ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि हम आरसीएम के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है, इसका मैक्सिमम पार्ट आरसीएम का होने वाला है। आरसीएम एक बहुत बड़ा एम्पायर है सर, दुनिया में कोई कंपनी इस प्रकार का एम्पायर बनाने की सोच भी नहीं सकती है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े प्राउड की बात है, हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहां पर आरसीएम वर्ल्ड है, जहां पर हम घूमने जाते हैं तो लगता है आज हम एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हैं, इस प्रकार की कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको आरसीएम वर्ल्ड इसलिए दिखा रहा हूं, वहां पर आप जाइए एक बार घूम के आइए, जो लोग गए हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए, उनकी आंखों में उस चमक को देखिए, क्यों, क्योंकि उस आरसीएम वर्ल्ड में जाने के बाद सबसे बड़ा फख्र इस बात पर मिलता है कि वहां पर हर जगह आपको एक लाइन लिखी मिलेगी, मैं मालिक हूं। इस लाइन के मीनिंग को समझिए सर आप, ये क्या लिखा हुआ है, जहां पर हमने हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी ने हमने पिछले 50, 60, 70, 100 सालों से हम सामान ले रहे हैं, उस दुकानदार ने कहीं पर मालिक तो छोड़िए सर, ये तक नहीं कहा कि भाई साहब इस दुकान में आपका कोई हिस्सा है, आपकी वजह से बड़ी हुई, नो, कभी दिवाली पे कैलेंडर दे दिया तो अलग बात, लेकिन आज हजारों करोड़ की कंपनी में ये लाइन लिखी हुई है वहां पर, मैं मालिक हूं। आज हो सकता है आपका बिजनेस कुछ हजार का हो, आपका बिजनेस कुछ लाख का हो, अभी आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं सर, इसको करना आपने एक बार, यदि आपका छोटा सा बेटा हो, छोटा सा बच्चा हो, दो चार पांच सात साल का, उसको लेके आरसीएम वर्ल्ड घूम के आइए सर, उसकी उंगली पकड़ के आरसीएम वर्ल्ड में घूमे, पूरा चक्कर लगाइए, उसको 10-5 जगह लिखा मिलेगा मैं मालिक हूं, लेकिन आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरा फायर्ड अप होकर इस बिजनेस को शुरू किए, और आज बच्चा आपका 5-7 साल का है, 15 साल के बाद उस बच्चे को लेके जाइए, बुजवान हो चुका होगा, और जब आप 15 साल के बाद वहां जाओगे ना, आपका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ का हो चुका होगा, और तब आप अपने बेटे को लोग घूमोगे ना सर आरसीएम वर्ल्ड में, तब आपका बेटा ये बोलेगा गर्व के साथ, पापा
इस इंडस्ट्री का 500 करोड़ का मालिक मैं हूं। यह बात बहुत बड़ी है सर, बहुत गंभीर बात है। यदि आपको सुन लिया इस बात को, इस पर विश्वास कर लिया, केवल मात्र घर के प्रोडक्ट बनके, घर के प्रोडक्ट बदल के आपको मालिक बनने का मौका मिला 45% का, तो शायद ये बहुत बड़ी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, ये बिजनेस बड़ा है, इसका कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। पहले बात करते हैं वर्ल्ड वाइड। इस बिजनेस की शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1959 में। आज दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है। और पिछले साल 23 जून 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट, मैं अक्सर अपने हर सेमिनार में इस रिपोर्ट को दिखाता हूं, क्योंकि यहां से हमें विजन मिलता है, यहां से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब दूसरे कंट्रीज में इस प्रकार का टर्नओवर हो रहा है तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं हो सकता। हमारी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये रिपोर्ट ये बताती है, ये इंडस्ट्री 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। पिछले साल का इस इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर हुआ 1,86,105 मिलियन डॉलर। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। कमाल की बात देखिए, इस 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में 23%, चौथा हिस्सा अकेले अमेरिका का है, और जिसकी पॉपुलेशन है मात्र 33 करोड़। इस 14 लाख करोड़ के टर्नओवर में चौथा हिस्सा अकेले अमेरिका का है, जिसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ है। हम ये कह सकते हैं कि वहां पिछले 50-60 साल से चल रही हो सकता है, इसलिए हो। इस 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में 10% कोरिया का है, जिसका 8 करोड़ पॉपुलेशन, लगभग 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है सर वहां का। इस 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री का 10% जर्मनी का है, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़ है। 5 करोड़ की कंट्री की पॉपुलेशन में टर्नओवर लगभग 1.5 लाख करोड़ का, कमाल देखिए सर आप, कितनी बड़ी बात है। ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है ये। और हमारा यदि मैं बात करूं इस टर्नओवर की, लगभग 53% अकेले 4 कंट्री से, अमेरिका, कोरिया, जर्मनी और चाइना, और बाकी का बचा हुआ पूरा वर्ल्ड है। और इस 14 लाख करोड़ का 78% 10 कंट्रीज में है, यानी कि हम ना टॉप 4 में हैं ना हम टॉप 10 में हैं। लेकिन यदि मैं राइट हैंड साइड की लाइन को आपके बीच में पढ़ूं, 33 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, हम चलते चलते नीचे जाते हैं, तो यह संख्या सर लगभग 140-140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो थोड़ा सा सोचिए, जब 5 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है, तो क्या 140 करोड़ की भी नहीं हो सकता। शायद हमें लगे कि आरसीएम का या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस चीज को हमें भूलना पड़ेगा, अब चश्मे को बदलना पड़ेगा सर। ये जो बीच वाली लाइन है 3-year CAGR, पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट क्या आई, अमेरिका में 6.5% है, कोरिया में 3.8% है, जर्मनी में 2.6% है, कहीं पर 0.7% है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पिछले 3 सालों में हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अवेयरनेस आई है, अच्छे प्रोफाइल के लोग आए हैं, गवर्नमेंट का कहीं कहीं इंटरफेयर करने से कुछ गलत कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है। अब धीरे धीरे ये चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं कि लोगों को एजुकेशन इस इंडस्ट्री के बारे में मिल रही है। अब कोई व्यक्ति किसी को गुमराह करने में 4 बार सोचता है, यदि सामने वाले को रियल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज हो तो कोई भी व्यक्ति उसको गुमराह नहीं कर सकता, जो पहले ऐसा होता था। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश में पिछले सालों में इस इंडस्ट्री के प्रति जो अवेयरनेस बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये हुआ कि हमारा 3 साल का CAGR जो परसेंटेज ग्रोथ है वो पूरी दुनिया में नंबर वन। ये हमारे लिए एक पीठ थपथपाने वाली बात है। और ये आंकड़ा ये बताता है, व्हाट्सएप इस चीज को इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, यदि ये टर्नओवर इसी प्रकार ग्रोथ बढ़ती रहे, ये परसेंटेज इसी प्रकार बढ़ता रहे, तो आने वाले कुछ सालों के बाद हम यहां पर नहीं होंगे सर, कुछ सालों के बाद हम दुनिया में नंबर वन पर जाने वाले हैं। और जितने भी आंकड़े, जितने भी एक्सपर्ट इस समय अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं, सभी इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, यदि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल कंडीशंस किसी कंट्री में हैं, तो उसमें इंडिया नंबर वन पर आता है। हमारे लिए प्राउड की बात है। इसलिए आज आपका बिजनेस थोड़ा है, आप आज ज्वाइन करने वाले हैं, आज टीम काम नहीं कर रही, आज घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज अपलाइन की सपोर्ट नहीं है, डाउनलाइन एक्टिव नहीं है, इन सारी चीजों से ऊपर उठिए सर, और इस बात पर जाइए कि आने वाले कुछ सालों के बाद यह टर्नओवर बहुत बड़ा होने वाला है। यदि मैंने अपने स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया, फील्ड में जाकर मैं घुस गया, एक एक व्यक्ति के साथ मैंने फॉलोअप किया, टीम को बढ़ाया, प्लान दिखाने शुरू कर दिया, होम मीटिंग पर फोकस कर लिया, जूम सेशन पर मीटिंग शुरू कर ली, सेमिनार में लोगों को लेकर गया, लिस्ट अच्छी सी बना ली, आने वाले समय में मेरा इस बिजनेस में बहुत बड़ा लेवल होने वाला है। अब बात करता हूं मैं आरसीएम बिजनेस की। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, तो क्योंकि आज प्लान दिखा, मैं आपको प्लान के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। यदि ये 65,000 करोड़ का होने वाला है, पूरे वर्ल्ड में 14 लाख करोड़ का है, तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल तो अच्छा है, लेकिन उस डायरेक्ट सेलिंग के माहौल में आरसीएम का क्या रोल रहेगा, आरसीएम का क्या स्थान रहेगा, उस पर बातचीत करते हैं। तो उस पर बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हमारे घर में आने वाले सामान के तरीके की बात कर रहा हूं। आज तक हमारे घर में जो भी सामान आ रहा है, उस बाजार का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यही एक व्यवस्था है जहां से हमारे घर में सामान आ रहा है। कोई भी व्यक्ति जब भी उसको सामान की जरूरत पड़ती है, उसको बाजार में जाना पड़ता है। बिना बाजार में जाए उसके घर में सामान नहीं आ सकता, क्योंकि तरीका यही है। कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट इस बाजार के माध्यम से एडवर्टीजमेंट वाले इसका प्रचार करते हैं, टीवी में आते हैं, वो करोड़ों पे लेके जाते हैं, C&F के पास जाता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर से हमारे घर में आता है। सामान असली मिले, नकली मिले, उधार में मिले, नगद मिले, कच्चे बिल पे मिले, पक्के बिल पे मिले,
हेल्थ को ठीक करने वाला मिले, बिगाड़ने वाला मिले, नकली मिले, असली मिले, जैसा भी मिले, लेकिन जाना तो इसी बाजार में पड़ेगा। लेफ्ट नहीं राइट के दुकान से ले लो, क्या करेंगे, जाना तो यही पड़ेगा। तो इस जाने में सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, जब जब भी एक ग्राहक इस दुकान पे जाता है, इस बाजार में जाता है, वो एक सबसे बड़ा काम करता है, इस बाजार का टर्नओवर बनाता है, उस दुकान का टर्नओवर बनाता है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमने इस बाजार में जाके इस टर्नओवर को बना दिया सर लगभग 65 लाख करोड़। आज इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस प्रकार के प्रोडक्ट का एनुअल टर्नओवर 65-70 लाख करोड़ का हो चुका है सर। किसने बनाया? ग्राहक ने। उसको असली की जगह नकली माल भी मिला, उसको रेट की जगह महंगा भी मिला, उसको बीमार करने वाला सामान भी मिला, उसको कच्चे बिल से मिला, अनहेल्दी प्रोडक्ट भी मिले। इसके बावजूद भी आज मार्केट हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बनने जा रही है, फास्टेस्ट मार्केट बनने जा रही है, और पूरी दुनिया की निगाह इस मार्केट पे है सर। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी निगाहें है या नहीं, ये बड़ा चिंता का विषय है। पूरी वर्ल्ड की निगाह इस मार्केट पे है, और दुनिया का हर कंट्री इंडिया के साथ व्यापारिक संबंध इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि हमारी मार्केट बहुत बढ़िया है सर। इस मार्केट में विदेशी लोगों की नजरें हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की नजरें हैं, लेकिन हमारी नजर नहीं है। इसका एक विकल्प तैयार हुआ, क्योंकि ग्राहक के पास को दूसरा विकल्प नहीं, उसको जाना पड़ेगा बाजार में। इसका एक विकल्प तैयार हुआ डायरेक्ट सेलिंग। इस बाजार में यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है ना, तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए हो जाता है। 50% पैसा इस मार्केट में जा रहा था, जा रहा है और जाता रहेगा, क्योंकि दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। बट 1959 में एक व्यवस्था नई इजाद हुई, इसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग, कि बिना इस बाजार के भी, बिना इन विज्ञापन वालों को भी इस मार्केट को चलाया जाता है। इसका नाम है सीधी बिक्री प्रणाली, और आरसीएम बिजनेस भी इस सीधी बिक्री प्रणाली के तहत काम कर रहा है। कैसे? यदि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है यदि सीधा ग्राहक से मिले, तो बीच का सारा पैसा बचा जा सकता है, और इस पैसे को 45% के रूप में ग्राहक को दिया जा सकता है। उसको क्या करना है? सिर्फ एक ही काम करना है, इस दुकान को छोड़ना है, बस कुछ भी नहीं करना, और बाकी सारा काम कंपनी कर रही है। दुकानें कंपनी खोल रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट कंपनी पहुंचा रही है, क्वालिटी कंपनी चेक कर रही है, सब चीजें कंपनी की है। बस हमें क्या करना है? इस दुकान पे जाना, छोड़ना है। तो जब इस दुकान पे नहीं जाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग आरसी में जाएंगे, तो क्या होगा? सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ेगा? हम धीरे धीरे बाजार के टर्नओवर को घटाना शुरू कर देंगे और आरसीएम के टर्नओवर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे ही बाजार का टर्नओवर कम होना शुरू होगा और डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग का फर्क क्या पड़ेगा? यदि मैं बाजार से खरीदता हूं तो टर्नओवर बाजार का बनता है, और यदि डायरेक्ट सेलिंग से खरीदता हूं, आरसीएम से खरीदता हूं, तो टर्नओवर मेरा खुद का बनता है। अब मुझे टर्नओवर अपना बनाना है तो मुझे बाजार में जाना बंद करना पड़ेगा, मुझे यहां से खरीदना शुरू करना पड़ेगा। उस बाजार के टर्नओवर का 45% बाजार में बंटता है, और डायरेक्ट सेलिंग के आरसीएम के टर्नओवर का 45% ग्राहकों में बंटता है। तो हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इसको मिशन के रूप में लिया, और लोगों से बात करनी शुरू की कि भाई साहब आपके घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे भी अच्छी क्वालिटी का, उससे भी कम रेट पे, एमआरपी से 20% लेस पे, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है, ऐसे ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट है जो आपके घर से बीमारियों को दूर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट है जो आपकी दवाइयों से छुटकारा दिला सकते हैं, वो हम आपको यहां पर दिलवाते हैं, और साथ में आपको इस इंडस्ट्री का 45% का मालिक बनने का मौका मिलता है। धीरे धीरे सारे नहीं, कुछ लोग, यदि हम 100 लोगों से बात करें और 100 में से 10 लोग भी हमारे साथ आ जाएं, तो इसको बोलते हैं सर 10% कन्वर्जन। और मैं अक्सर अपने सेमिनारों में स्लाइड को इसलिए दिखाता हूं ताकि हमें पता चले कि आरसीएम का टर्नओवर क्या हो सकता है। यदि हम पूरे इंडिया में 10% लोगों को भी इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के 10% पार्ट को भी डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में कन्वर्ट कर पाए, तो भाई साहब आरसीएम का टर्नओवर लगभग 6-6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए, इस टर्नओवर का 45% हमारे और आपके बीच में, ग्राहक के बीच में बढ़ने वाला है। तो हमें क्या करना है? इस मुहिम को बढ़ाने के लिए काम करना है कि मैं आज के बाद बाजार में नहीं जाऊंगा। ये टर्नओवर केवल और केवल तब हो सकता है सर जब हम कमिटमेंट करें कि आज के बाद मेरे घर में कोई भी प्रोडक्ट बाजार का नहीं आएगा। लोगों से गलती ही हो रही है कि वो आरसीएम में डिस्ट्रीब्यूट तो है, ज्वाइन आरसीएम कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके घर में बाजार का प्रोडक्ट आ रहा है, और फिर बात करता है सर मेरा तो कोई पैसा आ ही नहीं रहा है। पैसा कहां से आएगा? पैसा तो वहां से आएगा सर जहां का आप टर्नओवर बना रहे हैं। जब आप टर्नओवर बाजार का बना रहे हैं तो आपका पैसा तो बाजार में जा रहा है। यदि आप अपने घर में पैसा लाना चाहते हैं तो आपको अपना टर्नओवर बनाना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, बिल्कुल आरसीएम के अलावा आपके घर में कोई और प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए। और यदि आप ऐसा कर पाए, यदि हम ऐसा कर पाए, यदि हम मिलकर संगठन को बड़ा कर पाए, और जिस दिन 10% लोगों को आरसीएम की व्यवस्था, आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम के रेट, आरसीएम की क्वालिटी समझ में आ गई सर, तो आरसीएम का टर्नओवर 6 लाख करोड़ का हो सकता है सर। समझिए, जो आज अमेरिका में 33 करोड़ की पॉपुलेशन में 3.5 लाख करोड़ का है, तो हमारा 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 6 लाख करोड़ का क्यों नहीं हो सकता? और यदि हो गया तो आप इमेजिन कीजिए आपकी इनकम, आपके लाइफस्टाइल, आपके सपने सारे के सारे पूरे हो सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस को उस एंगल से देखिए, ये कोई काम नहीं है, ये कोई दुकान बदलने का जरिया नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों के टर्नओवर में 45% की हिस्सेदारी है। आपके हाथ में है, आप चाहो तो 10% में भी अपने आप को रोक सकते हो, और चाहो तो आप 45% तक जाकर के इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति और अरबपति बन सकते हो। इसलिए यदि मुझे इस बिजनेस को इस प्रकार से करना है, तो इसको करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए तो अपने आप होने वाला नहीं है।
एक व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसका पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रुचि है कि मैं तो गाड़ियों का काम करूंगा, मैं गाड़ियों का मैकेनिक बनना चाहता हूं, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले मैकेनिक के पास छोड़ते हैं सीखने के लिए, भाई साहब इसको सीख, उसके बाद तो अपनी मैकेनिक की दुकान खोल सकता है। हमारा बेटा फैशन डिजाइनिंग में कहता है कि मुझे टेलर बनना बहुत बड़ा, मुझे इंडस्ट्री में शौक है, तो क्या करते हैं आप उसको एक अच्छे से टेलर के पास छोड़ते हैं ताकि वो इस काम को सीख सके, तभी सेक्टर में आगे बढ़ेगा। आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर की प्रैक्टिस करता है, तो डॉक्टर के पास को छोड़ते हैं। जिस भी सेक्टर में आपको काम करना होता है आपको उस सेक्टर को सीखना होता है, बट यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग इसको बिना सीखे सिखाने की कोशिश करते हैं, यही लोगों से गलती हो जाती है, उनको पता ही नहीं है कि इस बिजनेस में कैसे कैसे आगे बढ़ा जाता है। क्यों, इस चीज को आप समझिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस फर्स्ट लर्न द नेचर ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले इस चीज को सीखिए, इस बिजनेस की नेचर क्या है। यदि मैं इस बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं तो मैं इस बिजनेस में ग्रो कर पाऊंगा, तो इस बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा। और इस बिजनेस की नेचर यह है, इट इज पीपल इंडस्ट्री, यह लोगों का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, यह प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों का बिजनेस है। प्रोडक्ट के बारे में आप दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी से आप कंपेयर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट उनसे रेट में कम है, क्वालिटी में बहुत अव्वल है, बहुत अव्वल। ये हम बिल्कुल चीना ठोक के बोल रहे हैं, आज कोई भी कंपनी प्रोडक्ट के मामले में हमारे आसपास भी नहीं है। इतना प्रोडक्ट होने के बाद भी फिर भी बहुत सारे लोग क्या बोले, सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से चलता है, तो वो लोगों का बिजनेस है, तो इसका मतलब उसको लोगों से मिलना सही नहीं आ रहा है, लोगों का बिजनेस है सर, लोगों से मिलना सीखना पड़ेगा। ये मेरे पास एक किताब है, यदि आपको दिखाई दे रही हो तो, इस किताब का नाम है लोक व्यवहार। ये किताब सिखाती है कि लोगों से कैसे मिला जाए, लोगों पे प्रभाव कैसे छोड़ा जाए, लोगों की नो को यस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये एक किताब आपकी हजार समस्याओं का समाधान है। बट अफसोस कि मेरे पास या तो इस किताब को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, या मुझे इस किताब को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, जबकि शुरुआत में रही जो नहीं, क्योंकि लोग प्रोडक्ट को मना नहीं कर सकते। आप जिस व्यक्ति को भी हमारा छोटे छोटा प्रोडक्ट, नमक की बात कर लीजिए, आप बाजार के किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नमक को ले आइए, मार्केट डॉक्टर लाइन के अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी नमक की क्वालिटी अच्छी तब मानी जाती है जब उसका पीपीएम 16 से ज्यादा हो। अब बाजार के बड़े से बड़े ब्रांडेड नमक को लेकर आइए, वो डबल आयोडाइड मिलेगा, उसका पीपीएम 16-18 मिलेगा, हमारे रेट से बड़ा मिलेगा। इसके बावजूद भी हमारा नमक 28 पीपीएम से ज्यादा का है, ट्रिपल आयोडाइड है, रेट में कम है, उसके यूज करने से 10-20 पैसे घर में आ रहे हैं सर, फिर भी क्यों मना कर रहा है? क्योंकि हमें लोगों से सही तरीके से बात नहीं करनी आई। जैक मा बहुत बड़े बिजनेसमैन, $50 अरब कमाने वाले सेल्फ मेड अरबपति, वो क्या बोलते हैं, आप कितने समझदार हैं, कितने स्मार्ट हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना नहीं आता तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको लोगों के साथ मिलकर काम करवाना सीखना चाहिए और काम करना सीखना चाहिए। जब आप प्लान दिखाते हैं, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हम प्लान ही दिखा रहे हैं। जब आप प्लान दिखाते हैं तो कई सारे लोग ये पूछते होंगे, अच्छा ये वो काम है जिसमें जो लोगों को जोड़ने का है, तो क्यों शर्माते हैं? बिल्कुल बोलिए, हाँ ये वही काम है जो लोगों को जोड़ने का है, अर्थात लोगों को पता है कि लोगों को जोड़ने का काम है। बट एक व्यक्ति जो आरसीएम में काम कर रहा है, जो नेटवर्क बना रहा है, उसको पता नहीं कि लोगों को जोड़ने का काम है। चेक कीजिए पिछले एक वीक में आपने कितने प्लान दिखाए, चेक कीजिए ना। यदि आप लोगों को जोड़ने के बिजनेस में हैं और लोगों को जोड़ने का क्या तरीका, 16 प्लान दिखा, और चेक कीजिए अपनी डायरी में आपने कितने प्लान दिखाए। मैं कई लोगों की जब पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, उनकी डायरी खोल के देखता हूं, तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि वो एक तरफ तो शिकायत कर रहा है कि सर मेरा बिजनेस बढ़ रहा, और दूसरी तरफ उसकी डायरी खोलता हूं तो बोलता है सर पिछले महीने मैंने 2 प्लान दिखाए। अरे एक महीने में 2 प्लान दिखा के डायमंड कब जाएगा आप? रोज के 10 प्लान क्यों दिखाए जा सकते, रोज की 4 होम मीटिंग क्यों नहीं की जा सकती? लिस्ट बनाइए, लोग बुरे से बुरा क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा। आप जाइए तो सही, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ड्रेसअप होकर जाइए, अपॉइंटमेंट लेके जाइए, प्रोडक्ट बैग साथ में लेके जाइए, हेल्थ गार्ड ऑयल की बुक लेके जाइए, गामा ऑरिजिनल को लेके जाइए। क्यों नहीं मना करेगा, क्यों कैसे मना करेगा आपको, हो ही नहीं सकता। बस गलती हुई है कि या तो हम जा नहीं पा रहे हैं या हमारे अंदर कोई झिझक है। तो आपको अपनी झिझक को तोड़ना पड़ेगा और इस बात को ये मन में मानना पड़ेगा कि आप कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे हैं जहां से आपकी गर्दन झुके। सर आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां से आप सीना ठोक के बोल सकते हैं, आज जब से कोरोना आया ऑनलाइन काम बढ़ गए, बच्चे भी स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन ज्यादा बढ़ गई है। आप चेक कीजिए आपका बच्चा, हमारे बच्चे जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं सर, उनका कितना टाइम स्क्रीन के सामने जा रहा है सर? या तो पढ़ाई कर रहा होगा, या वो कोई मूवी देख रहा होगा, या वो गेम खेल रहा होगा, या टीवी के आगे बैठा होगा। कितना टाइम, 10-10, 8-8, 10-10 घंटे स्क्रीन के सामने जा रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं उस स्क्रीन की ब्लू रेज का उस बच्चों की आंखों पर बैड इफेक्ट नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। आज वो महसूस नहीं हो रहा है, ना घर वालों को महसूस हो रहा है, ना उस बच्चे को महसूस हो रहा है।
यदि आप जाके बोलते हो उसकी मम्मी से, बहन जी आप बच्चे को एक खिलौना कम दिलवा दीजिए, आप बच्चे की एक ड्रेस कम सिलवा दीजिए, यदि आप अपने बेटे को ये न्यूट्रीचार्ज व्यू देते हैं, आज आपको इसकी अहमियत का पता नहीं है, लेकिन ये जो ब्लू रेज का इफेक्ट इस बच्चे की आंखों पे आ रहा है ना, ये धीरे धीरे इसकी आंखों को कमजोर करता जा रहा है। कुछ समय के बाद आपको देखे आपको लगेगा कि आंखों में बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया, आंखों में चश्मा लग गया है, आंखें सूखने शुरू हो गई है। यदि आप इस न्यूट्रीचार्ज व्यू को इस बच्चे को दोगे ना, इस बच्चे की आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है और इसके ब्लू रेज के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो ये काम आपने शर्मिंदा होने का नहीं किया सर, आपने एक बच्चों की आंखों की रोशनी को कम होने से बचाया है, ये गर्व का विषय है। आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया, वो कई काम कर रहा है, आज आपके प्लान दिखाने से वो व्यक्ति इस बिजनेस में रोल्टी टेक्निकल पर आ जाए, तो ये गर्व करने का और पीठ थपथपाने का विषय है। इसलिए सर झिझक छोड़िए, घर से बाहर निकलिए, आदत डालिए, लिस्ट बनाइए, बड़ी सी लिस्ट बनाइए और डेली कम से कम 5-7 लोगों से मिलकर प्लान दिखाने के यदि आप काम करते हैं तो आपको लोगों धीरे धीरे आपको लोगों से मिलने की आदत बन जाएगी, उनके क्वेश्चन को हैंडल करने की आदत बन जाएगी, ऑब्जेक्शन हैंडल करना आप सीख जाएंगे, सामने वाले की फिर भी नहीं पता है। इस बिजनेस में भगवान ने आपको एक ऐसी अनूठी चीज दी है जिसको बोलते हैं आपकी अपलाइन। शुरू में नए हैं, अपलाइन को लेके जाइए, आप होम मीटिंग डिसाइड कीजिए, अपलाइन को लेके जाइए, अपलाइन साथ नहीं है कोई बात नहीं, अकेले जा रहे हैं लेकिन अपलाइन का नंबर तो है, सामने वाले ने कोई क्वेरी की तुरंत अपलाइन को फोन बुलाइए, सर ये सवाल का मुझे पता नहीं है आप बताइए, झूठ मत बोलिए, सामने वाला आपको देखेगा यार कितना ईमानदारी से बात कर रहा है, सर ये मेरे एक्सपर्ट है, बहुत बड़े लीडर है, मैं आपको कभी इनसे मिलवाऊंगा, लेकिन आज मैं आप चीन के फोन पे बात करा रहा हूं, ये आपको इस सवाल का उत्तर दे देंगे। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे तो आपकी प्लान यस प्लान होना शुरू हो जाएगी सर, कुछ समय के बाद आप इस बिजनेस के बड़े लीडर बन जाएंगे। इसलिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कोई ऐसा बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया आप मंजिल पहुंच गए, नो, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस इन दिस बिजनेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको पहली मंजिल पर जाना है तो आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, सेम इस बिजनेस के अंदर है। इस बिजनेस में जैसे आपको अच्छा लगा, इसके प्रोडक्ट लाजवाब है, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, आने वाले समय की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेसमैन बनने का मौका मिल रहा है, सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है, आपने सामने वाले को यस किया, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, केवाईसी ओके कराया, आपने एक नंबर मिल गया, आपका एसोसिएट बायर नंबर आपको मिल गया, आपका केवाईसी ओके हो गया, पहला काम है आपको इस बिजनेस का 100% प्रोडक्ट यूजर बनना, पहला काम। बाकी सारी चीजें बात की है सर, इस बिजनेस में शुरुआत करते ही सबसे पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूजर। जब तक आप प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा सर, आप सामने वाले को सीना ठोक के बता ही नहीं सकते कि हमारी हल्दी कैसी है, हमारी चाय कैसी है, हमारा पापड़ कैसा है, हमारे बच्चों के नूडल्स कैसे हैं, हमारा शैम्पू कैसा है, हमारी पेस्ट कैसी है, आप बता ही नहीं पाओगे ना सर, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया। तो पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूजर, और यदि आपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस हो गया, मैं दावे से कह सकता हूं सर आप इस बिजनेस को चला लोगे, बिल्कुल चला लोगे। प्लान तो सीखी जा सकती है, प्लान का तो पेपर भी लैमिनेट करके लेके जाया जा सकता है, बताने की जरूरत नहीं, सीधा मार्क कर रहे हैं और लैमिनेशन का पेपर दिखा दिया, सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा 100% प्रोडक्ट यूजर बनने से। इसलिए इस बिजनेस की शुरुआत सबसे पहले यदि आपने ज्वाइन नहीं किया, आज तुरंत ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके हमारे डिलीवरी सेंटर पर जाइए, जो भी आपके घर के रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट है वो सारे खरीद के लेके आइए, उनको खूब टेस्ट कीजिए। ज्वाइन करने के बाद उसके बाद अपने जानकार लोगों की एक अच्छी सी लिस्ट बनाइए, अपने अपलाइन को बुलाइए, होम मीटिंग फाइनल कीजिए, जैसे आप कुछ लोगों से मिलेंगे, अपलाइन को मिलवाएंगे या इनको किसी मीटिंग में लेके जाएंगे, उनमें से कुछ लोग आपको मना करेंगे और कुछ लोग यस करेंगे, जो यस करते हैं उनको स्पॉन्सर कीजिए, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो गया, 2-3-4 लोगों ने आपके नीचे ज्वाइन किया, उन लोगों की लिस्ट बनाए, कुछ उनकी लिस्ट में काम कीजिए, कुछ उनको प्लान दिखाना सीखिए, खुद प्लान दिखाइए, आपके नीचे कुछ और लोग आ गए, ऐसे 5-7-10 लोग आपकी टीम में आ गए, किसी ने 2,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, किसी ने 4,000 का, किसी ने 3,000 का, किसी ने 2 लोगों को ज्वाइन करा, और ऐसा करते करते जैसे आप शुरू करते हैं इस बिजनेस का पहला लेवल आपका जाता है वाइटल, 20,000 का बिजनेस कंप्लीट होते आप बन जाते हैं इस बिजनेस के वाइटल चीवर, आपकी आईडी पे आएगा वाइटल चीवर, बिगिनर चीवर, आपको अगले आपके शहर में होने वाले प्रोग्राम में सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, आपका अपलाइन आपको विशेष देगा, आपका पोस्टर बनाएगा आपके लिए, तालियां मिलेगी, सिर्फ क्या करके आपने घर का सामान ही बदला है, यानी कि यहाँ सामान के साथ सम्मान भी मिलता है सर, रिकॉग्निशन मिलती है, एक्सपोजर भी मिलता है, लीडरशिप डेवलपमेंट की बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो जैसे आपने 5-7-10 लोगों को ज्वाइन कराया, उन लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, आपका वाइटल आ गया, अब आपने क्या करना है, अपनी टीम में अपने जैसे वाइटल क्रिएट करने हैं, जो काम आपने किया वही अपनी टीम के साथ कीजिए, जो अपलाइन ने आपके साथ सपोर्ट किया वही आप अपनी टीम की सपोर्ट कीजिए, ऐसा करते हैं तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा और बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी टीम और वाइटल आ गई, आपकी टीम और नेटवर्क बढ़ा, अब आपका बिजनेस थोड़ा सा शहर में बड़ा होना शुरू किया, लोग मीटिंगों में लाना शुरू कर दिया, जूम में आपके 10-5 लोग बैठने शुरू हो गए, आपका नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया, आपकी टीम में कई सारे वाइटल आ गए, अब बन जाते हैं आप इस बिजनेस के रॉयल्टी चीफ, आपको एक शानदार प्रोग्राम में सेलिब्रेट किया जाएगा, आपके परिवार को बुलाया जाएगा, आपके परिवार वालों से पूछा जाएगा आज आपको कैसा लग रहा है, वो दिन आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे बन सकता है। आज तक कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब हम किसी रॉयल्टी चीफ को सम्मानित करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उसको स्टेज पे लेके आते हैं, और जब उसके पिताजी से पूछते हैं अंकल जी आज आपको कैसा लग रहा है, जब उसकी पत्नी से पूछते हैं आज आपको कैसा लग रहा है, सर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज तक ऐसा सम्मान हमें जिंदगी में कहीं मिला नहीं है जो यहां पर मिल रहा है, साथ में आपको बिजनेस मिल रहा है, इनकम मिल रही है, और साथ में सम्मान मिल रहा है। और जैसे आप रॉयल्टी पे आते हैं, अगला काम आपका अपनी टीम के उन वाइटल्स को रॉयल्टी पे लेके आना, और जैसे आप अपनी टीम के वाइटल्स को रॉयल्टी पे लेके आते हैं,
आप बन जाते हैं इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर, और जैसे आप अपनी टीम के रोल टीचर को टेक्निकल बनाते हैं आप बन जाते हैं इस बिजनेस के राइजिंग कोर लीडर, और जैसे आपकी टीम में राइजिंग कोर लीडर आते हैं आप बन जाते हैं इस बिजनेस के कोर लीडर। बस आपको ये स्टेप वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल राइजिंग यहां तक सर आपको रुकना नहीं है। गलती लोग कर लेते हैं, एक रॉयल्टी की छोटी सी पिन आई नहीं और हवा में उड़ने लग जाता है, प्लान दिखाना बंद, फोन कॉल करना बंद, लिस्ट बनाना बंद, मीटिंगों में तैयारी करना कम, तो आगे बढ़ो कैसे? ये आज इस बात को ठान लीजिए, संकल्प कीजिए कि मुझे कोर बनने से पहले रुकना नहीं है, क्योंकि जैसे आप कोर बन जाते हैं आपके घर में आ जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब पैसा आपके पीछे आता है सर, अब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है सर, आप कहीं चले जाओ पैसा आना मजबूरी, आप हरिद्वार पे जाके बैठ जाओगे ना सर तभी पैसा आपके घर में आएगा। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके सपने पूरे होने लग जाते हैं, और ये स्टेज आने के बाद आपको पता नहीं कहां कहां से पैसा आ रहा है, और इसकी फिक्र क्या है, आपके घर में लग जाता है पैसे का पेड़, और ये टप 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 आपके घर में नोट बरसने शुरू हो जाते हैं सर। ये है आरसीएम की पावर, ये है कोर बनने की ताकत। मैं इसको इस प्रकार से बताता हूं, आप रहने वाले हैं दिल्ली के, आपने आरसीएम को शुरू किया, प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने दिल्ली में टीम बनाई, आपकी टीम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके भाई को ज्वाइन करा दिया आगरा, वो नौकरी करता है, आगरा वाले ने बिजनेस शुरू किया, आगरा वाले ने अपने किसी दोस्त को ज्वाइन करा दिया ग्वालियर में, ग्वालियर में आपका बिजनेस चल रहा है, ग्वालियर वाले ने किसी आपके अपने जान पहचान वाले को ज्वाइन करा दिया भोपाल में, भोपाल वाला काम कर रहा है, भोपाल वाले ने किसी अपने दोस्त को ज्वाइन करा दिया नागपुर में, वो महाराष्ट्र पहुंच गया, अब नागपुर वाला अपने घर में चाय पी रहा है। अब देखिए ध्यान से, नागपुर वाला आरसीएम के सेंटर से चाय का पैकेट लेके आया और अपनी मैडम को बोला ये शानदार चाय है आज इसकी चाय पीते हैं, आ बैठे दिल्ली में और नागपुर में उसकी मैडम ने चाय का कप दो कप चाय के बनाए और साहब जी के पास चाय कप लेके आई, और जैसे ही साहब जी ने चाय के कप को पकड़ा अपने होठ से लगाया और एक चुस्की ली, और जैसे उसने चुस्की ली चाय की उस कप में से 50 पैसे का सिक्का उछला और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये है टप टप सर, क्या दुनिया में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? समझिए इस ताकत को, आपके घर में पैसों का पेड़ लग जाता है, लेकिन इस पेड़ को लगाने के लिए आपको कोर तक डटकर मेहनत करनी पड़ेगी, आलस को छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट आज की मीटिंग का मैं जा रहा हूं, यदि मुझे करना है कोर बनना है तो वो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसपे मुझे काम करना चाहिए, वर्किंग स्ट्रेटजी फॉर दिस बिजनेस, तो मुझे सफलता पर जाना है, कोर बनना है, रोल्टी पे आना है, टेक्निकल पे आना है, वाइटल पे जाना है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, 100% प्रोडक्ट चूज, 100% पहला तरीका ये है सर, और उसके साथ साथ अपने जानकार लोगों को प्रोडक्ट का रिटेल करना सीखिए सर, उनको प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस बताइए, उनको गामा ऑर्जन के फायदे बताइए, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन के फायदे बताइए, उनको गुड सिप के फायदे बताइए, उनको गुड डोट के बारे में बताइए, उनको हरित संजीवनी के बारे में बताइए, जैसे उनको कीसोल के बारे में बताइए। जैसे आप कुछ प्रोडक्ट शेयर करना शुरू करते हैं आपका पर्सनल पीवी बनना शुरू हो जाता है, और लोग गलतियां कर लेते हैं कि लोगों से तो करवाना चाहते हैं लेकिन खुद करते नहीं। जैसे आप पर्सनल पीवी बढ़ाते हैं आप प्री डायमंड क्लब और फिर डायमंड क्लब, आपको सबसे पहला टारगेट ये लेना है कि मुझे 100% प्रोडक्ट यूजर तो बनना ही बनना है, घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो तो करना ही है, केवल घर में प्रोडक्ट यूज करने से कामयाबी नहीं मिलेगी सर, आपने अपने आपको किसी टारगेट पे जाने के लिए तैयार करना, और कम से कम 5000 पीवी हर महीने करना सीखना है, वो तब सीख पाएंगे जब आप इन प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर के लोगों को प्रोडक्ट हमारे डिलीवरी सेंटर पे लेके जाएंगे, लोगों को हमारे शॉपिंग कार्निवल में लेके जाएंगे, लोगों को फूड फेस्टिवल में लेके जाएंगे, लोगों को कोई थायराइड से परेशान है उनको गामा अर्जुन के बारे में बताएंगे। जब आप प्रोडक्ट रिटेल करना सीखेंगे तो आपका कम से कम 5000 पीवी होना शुरू हो जाएगा। आपने बिजनेस को शुरू किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मोटिवेट करने वाली है, जो बहुत सारे लोग करते नहीं है, दूसरा आगे बढ़ने से पहले अगला काम है ड्रीम लिस्ट तैयार करना। बहुत सारे लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फील्ड में जाओगे तो कोई जरूरी नहीं सभी आपको यस करेंगे, फील्ड में जाओगे कोई जरूरी नहीं आपके अकॉर्डिंग माहौल मिलेगा, फील्ड में जाओगे जरूरी लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, फील्ड में जाओगे कोई जरूरी नहीं लोग आपकी तरह आपकी बात को समर्थन करेंगे। नो, कौन सी चीज जो आपको मोटिवेट करती है? दैट इज योर ड्रीम। आपके पास ड्रीम लिस्ट ही नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस में क्यों आए? ठीक ठाक नौकरी कर रहे थे, ठीक ठाक दुकान कर रहे थे, ठीक ठाक बिजनेस कर रहे थे, ठीक ठाक आपका प्रैक्टिस थी, आप वकील थे, आप पुलिस में थे, आप टीचर थे, क्यों आए इस बिजनेस में? इसलिए आए क्योंकि आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उस काम से सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, ड्रीम लिस्ट बनाइए। एक चीज और मैं कहना चाहूँ, बहुत सारे लोग जब ड्रीम लिस्ट लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, मेरी इस बिजनेस में कार आएगी, मेरा इस बिजनेस मोबाइल, ये ड्रीम नहीं है सर, ये तो नीड है आपकी। नीड और ड्रीम में अंतर पहचानिए। कार की लिस्ट में तो लग्जरी कार की बनाइए, मोबाइल की बनाए तो अच्छे वाले मोबाइल की बनाइए, घर की बनाए तो अच्छे शानदार घर की तस्वीर अपने डायरी में अपने पेस्ट कीजिए अपने ड्रीम बुक में। तो जब तक आप ड्रीम लिस्ट पे काम नहीं करोगे तब तक इस बिजनेस में आपकी प्रेरणा कहां से पैदा होगी? तो ये ड्रीम लिस्ट यदि आप बना पाते हैं तो इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाते हैं। तीसरा काम है प्रॉपर स्टार्टअप करना सीखना।
ज्वाइन करते ही आपने स्टार्टअप करना सीखना है, इस बिजनेस को सही स्टार्टअप कैसे किया जाए, इस बिजनेस के सिक्स बेसिक क्या है, लिस्ट बनाने वाले लोगों से उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उनकी नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना है, उनको मीटिंगों में कैसे इन्वाइट करना है, और जैसे आप प्रॉपर स्टार्टअप करना सीख जाते हैं अब लोगों को प्रॉपर स्टार्टअप करना आपको सिखाना है। यदि ये पॉइंट आप सही ढंग से कर पाए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे यूएस के यूट्यूब चैनल पर, आपको सिक्स बेसिक मिल जाएंगे। यदि आपने लोगों का सही प्रॉपर स्टार्टअप करना सीख लिया, अपना प्रॉपर स्टार्टअप करना सीख लिया, तो आपके बिजनेस की बढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है सिस्टम से खुद को जोड़ना और टीम को जोड़ना। अपने LOS से टीम को मिलाइए, मीटिंग सेमिनारों से लोगों को जोड़ के जाइए, यूएस के यूट्यूब चैनल से लोगों को जोड़िए, RCM के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लोगों को जोड़िए, उनको RCM का ऐप डाउनलोड कराइए, गामा और जोड़ के चैनल से जोड़िए, उनको ये बताइए कि इस बिजनेस को सीखने के लिए करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं। केवल मैं ही आपको सपोर्ट करने वाला नहीं हूं, RCM सिस्टम आपको सपोर्ट करने वाला है, यूएस के सेमिनार आपको सपोर्ट करने वाले हैं, अपलाइन आपको सपोर्ट करने वाली है, हमारा लिटरेचर आपको सपोर्ट करने वाला है, हमारे डिलीवरी सेंटर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को सिस्टम से जोड़ते हैं तो वो लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ने में काम, इंडिपेंडेंट लीडर बनने में आगे बढ़ने वाले हैं और आपका नेटवर्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि आपने उनको प्लान दिखाना सिखा दिया वो खुद प्लान दिखाएंगे, आपने उनको मीटिंग का महत्व सिखा दिया वो मीटिंग करना सीख जाएंगे, आपने होम मीटिंग करना सिखा दिया वो होम मीटिंग करना शुरू कर देंगे, आपने वीकली मीटिंग शुरू की अपने शहरों पर वो अपने शहरों में वीकली मीटिंग शुरू करेंगे। यदि आप लोगों को सिस्टम से जोड़ना सीख गए तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। स्टार्टअप करने से बिजनेस बढ़ना शुरू होता है, बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है, बट सिस्टम के साथ जोड़ने से, सेमिनारों पर फोकस करने से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टारगेट लेके काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी टीम में नए अचीवर बनेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, नए अचीवर बनेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, नए अचीवर बनेंगे तो सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आपके लीडरों को एक्सपोज होने का मौका मिलेगा। इसलिए टारगेट लेके काम करने की आदत डालें। जैसे इस बिजनेस के लेवल हैं 20,000 पीवी बिगिनर स्टार्ट होता है, 40,000 पे स्टार्टर ओपनर ईगल रनर। पिछले महीने आपकी टीम में इस व्यक्ति ने 5,000 का पीवी किया था, तो आपका इस महीने का टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे कुछ भी करके इस आईडी को 20,000 तक लेके जाना है, मेरी टीम में एक नया वाइटल क्रिएट करना। जैसे ये बिजनेस 20,000 का होगा, इसके और आपके बीच में बहुत सारे लोगों की ब्रांचेज ओपन करवाइए, ओपन है उनको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कीजिए, उनकी ब्रांचेज में जाइए। और यदि आपने मिनिमम 5 लोगों की भी खुद की परचेज और बी लैग मिला के 5,000 कर दिया, तो इसका मतलब आपने 5 बिगिनर निकाले हैं, अगले महीने जो सेलिब्रेशन होगा उसमें 5 आपके वाइटल अचीवर को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। करते करते कहीं ना कहीं आपका बिजनेस 1,15 क्लोज होगा, करते करते 1,17 क्लोज होगा, और आपको लग रहा है यात्र जाते जाते 3.5 लाख हो जाएगा, आपका रोल्टी का टारगेट हो गया। तो यदि आप लाइफ स्ट्रक्चर बना के डेप्थ पॉइंट को लेकर के ब्रांचेज को लेकर के काम करते हैं तो आपके इस बिजनेस में खुद के लेवल पूरे होंगे और अपनी टीम के लेवल पूरे होंगे। बस डेप्थ से इस बिजनेस को यदि आप सही ढंग से बिल्ड करना सीखे तो इस बिजनेस में आप बड़ा काम कर सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट है आज के सेमिनार का, आज के वेबिनार का, अपनी वेट टीम लीडर्स की लीडरशिप को ग्रो कीजिए, क्योंकि अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, अलग अलग एरियाज बढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोग बढ़ रहे हैं, उन सबको एक साथ लेके चलना, उनको एक टीम वर्क के रूप में जोड़ के रखना, वो एक लीडर की पहचान है सर। यदि आपकी लीडरशिप का विकास नहीं हुआ तो आपका बिजनेस बड़ा होने के बाद भी नीचे चला जाएगा, आपसे लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग आपको छोड़ देना शुरू कर देंगे। वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी लीडरशिप को ग्रो करेंगे, ट्रेनिंग के सेशन अटेंड करेंगे, सुबह मॉर्निंग का सेशन आता है टीचर का, उसमें अपनी टीम के लोगों को लेकर जाएंगे, बहुत सारे बुक्स है इस प्रकार के जो आप लीडरशिप को बढ़ा सकती है, अपने अपलाइन की ट्रेनिंग की मीटिंग में जाएंगे, आप 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल को फॉलो करेंगे। यदि आप इन चीजों को ग्रो करते हैं तो जैसे आपकी लीडरशिप बढ़ती है आपकी टीम के लीडर्स की भी लीडरशिप ग्रो होनी शुरू हो जाएगी और आपका बिजनेस आगे धीरे धीरे अलग अलग एरियाज में अलग अलग स्टेट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि आप इन 6 पॉइंट्स पे लगातार काम करते हैं, मैं पूरे दावे से कहता हूं बहुत जल्दी आप इस बिजनेस के बड़े अचीवर बन सकते हैं। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, 7 मई को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में इंडिया में हम अपने नए यूथ लीडर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हमारी टीम के जितने भी नए लीडर हैं 18 से 30 साल के युवा जिन्होंने अपनी आईडी लेके अपना काम करना शुरू किया, आज RCM के टेक्निकल चेयर हैं, उन लीडर्स को आप वहां बेहतरीन परफॉर्मेंस के रूप में देखेंगे। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे अनेकों एग्जांपल हैं जो आज तक को दुनिया में कंपनी कर नहीं पाई, ऐसे कई सारे केसेज हैं जिन्होंने शुरू किया था बट आज वो नहीं है इस दुनिया में, उनकी फैमिली के नाम बिजनेस है, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बिटिया, उनका भाई इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कमाल है इस बिजनेस का, इस बिजनेस की ताकत अजीब है, इसके पिताजी ने शुरू किया, यदि यह बिजनेस नहीं होता तो आज यह दर दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन आज इसके घर में RCM से इनकम आ रही है। इस प्रकार के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी जनरेशन जिन्होंने अपने पिताजी के साथ RCM को शुरू किया और अपनी आईडी लेके साथ में टेक्निकल के मुकाम पर पहुंची, ऐसे ही एक बहुत बड़ा यूनिक प्रोग्राम जो आपके बिजनेस में क्रांति ला सकता है, आपकी टीम में मोमेंटम ला सकता है, 7 मई को दिल्ली में होने जा रहा है। उसकी टिकटें बहुत लिमिटेड क्योंकि संख्या बहुत सीमित है। यदि आपने अभी तक टिकटें नहीं लिया तो अपने अपलाइन से फोन करके पूछ लीजिए। हाँ, बिना टिकट आना वहां पर बिल्कुल सख्त मना है क्योंकि जगह ही नहीं है।
यदि आपके अपलाइन के पास दो चार पांच टिकटें बची हुई हो तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर मैं इस प्रोग्राम में आना चाहता हूं, आने वाला भविष्य किस प्रकार का होने वाला है, आगे युवा किस प्रकार से इस बिजनेस में बड़े डिसीजन लेकर काम करने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको 7 मई को देखने को मिलेंगी। आज मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हर दिन हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं 8 बजे इस टाइम पर इसी लिंक पर, और हर बुधवार को कोई ना कोई एक लीडर अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है। यदि आप इस जूम सेशन का लगातार लाभ उठाते हैं अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू धनराज भाटी जी। थैंक यू सर, आज का सेशन वाकई में कमाल का सेशन था, और अभी तक भी सर होड़ मची हुई है इस सेशन में। लास्ट टाइम तक लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, इस सेशन में बने रहे थे और बीच में निकले नहीं, और सीरियस तरीके से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आज आपने आके सबसे बड़ी चीज हमारे इंडिया में कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है और वो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस शर्त यही है हमें कुछ बड़ा करके प्लानिंग करनी है और पूरी टीम वर्क के साथ में करेंगे तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो ये चीज़ आज आपने वो क्लियर की सर, हम उसके ऊपर बड़ा काम भी करेंगे, और अप्रैल महीना फोकस महीना है तो हम मार्च से कुछ बड़ा करेंगे। पूरी उम्मीद के साथ में इस प्रोग्राम को हम यहीं क्लोज करेंगे क्योंकि समय बिल्कुल हो चुका है। तो जितने भी साथी आज इस प्रोग्राम में आए हैं तो वो इस प्रोग्राम का फायदा तभी मिलेगा जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, तभी हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज जो सर ने जितनी भी बातें बताई है उस बातों के ऊपर हम अमल करके बड़ा काम करेंगे तभी हम कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि सर का जो प्रोग्राम अभी रिसेंटली हमारे जोधपुर में हुआ था और वहां से हमने कुछ संकल्प लिए और उसी संकल्प के साथ में 2023 में कुछ बड़ा करने वाले हैं सर। तो रियल में बहुत बड़ी चीज होने वाली है। तो आपका आज आना, हमारे पूरे यूएस के जितने भी एसोसिएट वाइफ आज यहाँ पे यूएस के चैनल पे आए और जिस वजह से आज बहुत बड़ा होने वाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना अपना कीमती समय जो यहाँ पे दिया है तो उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे सर। सर प्रोग्राम को ओवर कर दिया जाए। जी सर।